बार्ज 305 क्षतिग्रस्त हो गया चक्रवात में, और इसी के दौरान लगभग 270 लोग उसके चपेट में आ गए। कुछ लोग मिसिंग है, कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई सारे परिजन अपने जो परिजन है उनको ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित है, उनके पास हम चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे आप, कब से आ रहे हो यहाँ पे जे में, और कौन मिसिंग है आपका? सर 4 दिन से आ रहा हूँ मैं, बिना खाए पिए हम लोग यहाँ मर रहे हैं 4 दिन से, कोई स्पेशली नहीं मिल रहा है। और पहले तो हम लोग लिस्ट में नाम ही नहीं था, आज लिस्ट में नाम आया, उनका डेड बॉडी आया है, दिखा रहे हैं, अब उसके लिए पेपर पर बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ तक ठीक है, चलो हमारी नुकसान हो गई काफ़ी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है कंपनी की तरफ से कुछ हमको मतलब इतनी नहीं मिल रहा। उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं छोटे, उनके बारे में कौन सोचेगा, इतने 10-10 साल काम करने के बाद उनको कुछ इतनी नहीं मिल रहा, तो ये बताइए हम लोग क्या करें। वो सर कंपनी के ओर से क्या कहा जा रहा है, कंपनी क्या कह रही है, और पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है, उनसे कुछ बातचीत हुई क्या आपकी? पुलिस तो खाली हटा रही है, बोली कि ऐसी करो, शांति करा रही है। बाकी जो उनके जो कंपनी का ना चमचलो है यहाँ, जो मतलब कंपनी खास आदमी नहीं आ रहा, बस सब मतलब क्या एजेंट लोग हैं जो यहाँ बाहर से आदमी मंगा के काम कराते हैं, और वही लोग आ रहे हैं, कंपनी का जो मेन आदमी सामने नहीं आ रहा। वो लोग झूठी आश्वासन दे रहे हैं कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया। हमने बोला भाई जो आप देने के लिए बोल रहे हैं वो लिखित में दे दो, कंपनी के लेटर पैड पे लिख के दे दो, उस पर हम लोग साइन कर देते हैं। अभी झूठे हवा में बुलाओ, कल हम जाएंगे कंपनी में हमको धक्का मार के निकाल देगा। वो जो पीछे खड़े हैं उनसे आपकी बातचीत हुई थी क्या, ये आपके ठीक पीछे खड़े ये साहब? नहीं, उनसे बातचीत किए थे, पंकज मेरा भांजा है, बातचीत किया था इनसे। हाँ, उन्होंने क्या वो अभी वो कुछ मतलब बता नहीं, क्लियर बता नहीं रहे, ऐसे खाली आश्वासन दे रहे हैं, झूठा आश्वासन। मदद की भी कुछ बात कही थी उन्होंने के लिए, वो बोले थे 5 लाख रुपया बॉडी के चेक देते हैं, और 6 साल तक वो मतलब उनका पगार का देंगे। तो चलो ठीक है, वो भी तो लिखित में होना चाहिए ना, अभी आप बोल दिए, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। आपका कौन रिलेटिव का नाम? मेरा भाई है योगेंद्र यादव, मेरा बड़ा भाई है, और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। 4-5 महीने से वो प्लेटफार्म पर था, गाँव से आया तुरंत वहीं गया, शादी करना था लड़की का उसका, उसके लिए कर्जे में दबा था, 4-5 महीने से वहीं पर था, घर पर भी नहीं आ रहा था। बोला कि थोड़ा थोड़ा पैसा हो जाएगा, शादी वादी करेंगे, अभी हो गया उसी के थी, खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे। जर पाहिलं तर कंपनीकडून मदतीचं आश्वासन देखील दिलं जात आहे, कंपनीचे काही कर्मचारी इथं आलेले आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करूया, ते काय बोलतायत का, त्यांच्याकडे आपण थेट जाऊया आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करूया। सर कंपनी की ओर से क्या कहा जा रहा है, कितने लोग मिसिंग है, क्या है? चलिए सर, सर कुछ मदत आश्वासन अभी हो रहा है। आपण पाहिले की या ठिकाणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न करतोय, इथं उपस्थित आहेत, मात्र मीडियाचे कॅमेरे दिसल्यानंतर ते पळ काढताना दिसतायत, कोणत्याही स्वरूपात बोलणं जे आहे ते या अधिकाऱ्यांकडून केलं जात नाही, किंवा कोणतीही माहिती जी आहे ती अधिकृतपणे दिली जात नाही। विशासवने ई टी व्ही भारत मुंबई।